कोई सीरियल चल रहा है कहीं, शायद कोई टीवी में, क्योंकि मेरा तो टीवी 6-7 साल से बंद पड़ा हुआ है और मैं नेट पे सिर्फ न्यूज़ देखता हूँ और अखबार भी बंद है, तो मुझे जानकारी नहीं रहती। मगर एक मेरे पास फ़ोन आया कि उस टीवी में भगवान बुद्ध ने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए, उन्होंने ऐसे ऐसे पूरी घटनाएं दिखाई जो बड़ी अलौकिक और चमत्कारिक थी। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए हैं जो ऐसा सोचते हैं कि बुद्ध चमत्कार दिखाते हैं। बुद्ध ने भिक्षुओं के और भिक्षुणियों के नियम बनाए हैं विनय के हिसाब से। उसमें एक है पाराजिक नियम। पाराजिक नियम के हिसाब से अगर कोई भिक्षु या कोई भिक्षुणी अगर चमत्कार की बात भी करता है, दिखाने की तो बहुत दूर की बात है क्योंकि दिखा तो सकता ही नहीं, कोई चमत्कार है नहीं। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में कोई चमत्कार देखा भी नहीं, करने की तो बात बहुत दूर की है। तो चमत्कार जब है ही नहीं, चमत्कार बुद्ध के पास भी नहीं है। बुद्ध तो जो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, मनुष्य के शरीर को जानते हैं, उसके मन को जानते हैं, तो चमत्कार को तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो बहुत खोजने पे, बहुत ढूंढने पे पूरे जीवन में एक चमत्कार नहीं उनकी लाइफ में कहीं भी, पूरे कहीं साहित्य में। तो चमत्कार अगर कोई भिक्खु दिखाता है, और भिक्खु में भगवान बुद्ध भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो संघ से अलग हैं, तो कोई भिक्खु कोई भंते अगर चमत्कार दिखाता है या चमत्कार का जिक्र करता है या चमत्कार की बात करता है या किसी को आश्वासन भी देता है, किसी को प्रॉमिस भी करता है, किसी को सिर्फ इतना भी कहता है कि मैं तुम्हें चमत्कार दिखा दूंगा, तो उसकी सजा है पीनल कोड में, जो पीनल कोड है जिसको विनय बोलते हैं, भिक्खुओं की आचार संहिता, भिक्खुओं की सजा की उसमें नियमावली है कि उसको हमेशा के लिए संघ से निकाल देंगे, तड़ी पार, देश निकाला, संघ निकाला, ये अपराध है उसमें। और अपराध चमत्कार की जिक्र करने पर भी है। तो कोई व्यक्ति अगर टीवी में सीरियल दिखा के और लगातार लगातार चमत्कार दिखा रहा है, वो बुद्ध को नहीं दिखा रहा है, वो तो कुछ और दिखा रहा है, वो बुद्ध नहीं है। इसको आप समझ लें कि अगर चमत्कार दिखा रहा है या चमत्कार की बात कर रहा है या किसी किताब में चमत्कार की बात लिखी है, तो वो किताब बुद्ध की नहीं है, वो किसी और ने लिखी है। अगर किसी त्रिपिटक में किसी एक सेंटेंस में अगर चमत्कार का जिक्र है, तो वो चमत्कार की किताब बुद्ध की नहीं है, ये बुद्ध ने साफ कहा है। जिसमें आलार कलाम जो थे, जो आलार कलाम हैं, उनको बताते हुए साफ कहा है कि जो बात तर्कसंगत ना हो और जो बात ठीक ना हो उसको छोड़ देना, वो नहीं है। जो अनुभव पर सही ना उतरे, खरी नहीं उतरे, वो बदल गई। तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, क्योंकि बुद्ध ना दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। जितने भी संत हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, उनमें बुद्ध का पहला नंबर है पूरी दुनिया में। इसलिए बुद्ध के नाम से लोग बड़े क्यूरियोसिटी में आते हैं, बड़े जिज्ञासु होते हैं। लोग तो बहुत अंधभक्त भी हैं बुद्ध के, चमत्कार हुआ तो हाथ भी जोड़ लेते हैं बिना ये सोचे कि पाराजिक तो पढ़ लो, पाराजिक में विनय में नियम क्या दिया हुआ है। और उनको लगता है कि बुद्ध हैं और भगवान है, भगवान का मतलब कुछ और है। चमत्कार वाले को भगवान नहीं बोलते, चमत्कार वाले को चमत्कारवान बोलते, भग्न वाले को भग्नवान बोलते हैं। अरे दुखों को भंग किया है तो भग्नवान हो गए, और चमत्कार किया तो चमत्कारवान हो गए, चमत्कारी हो गए। तो चमत्कारी नाम तो है नहीं बुद्ध का, ना ही चमत्कारवान है, उनका नाम तो भग्नवान है, दुखों को भग्न करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, मार्ग बताते हैं, चलोगे तो दुख भग्न हो जाएंगे, नहीं चलोगे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, आपका काम है। तो हमेशा उन्होंने चमत्कार के, किसी का अगर कान में सुन भी लिया, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब भिक्खुओं ने कहीं लोगों को आश्वासन दिया कि वो चमत्कार दिखा रहे हैं, उनको तभी निकाल दिया उन्होंने, नहीं ये भिक्खु संघ के लायक नहीं, हमेशा के लिए निकाल दिया। तो इसको बिल्कुल 100% अपने मन में बैठा लें कि अगर कहीं चमत्कार है तो बुद्ध नहीं है। बुद्ध वहां है जहां वो मनुष्य के शरीर को ठीक करने का साइंटिफिक तरीका बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, मनोवैज्ञानिक बता रहे हैं, साइकोसोमेटिक बता रहे हैं, जो मन से और रूप से, यानी मन से और शरीर से, यानी ह्यूमन के सॉफ्टवेयर से और ह्यूमन के हार्डवेयर से संबंधित काम करता है, जो उन्होंने बहुत बारीकी से बताया भी और हजारों मनुष्यों को ठीक भी किया। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है,
या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।